हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप अगर CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिए थे नवंबर 23 का, और यदि आपने उस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया, आपका CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का एग्जामिनेशन अभी भी देना बाकी है, उसमें जितने भी लोग हैं जिनको FM और SM का कोर्स अभी भी करना बाकी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे डे टू डे बेसिस पे स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ में समराइज मैं कर रहा हूं ताकि आपको एक डिटेल्ड नॉलेज मिले। दिस विल बी रियली यूजफुल वीडियो टू क्लियर May 24 एग्जामिनेशन। सबसे पहले सर, क्या SM के सिलेबस में चेंज हुआ है? द आंसर इज यस, SM के सिलेबस में चेंज हुआ है। सर कितना चेंज हुआ है? मैं कहूंगा बहुत चेंज हुआ है। कुछ चीजें ऐड हुई है, कुछ चीजें डिलीट हुई है, और जो चीजें एग्जिस्टिंग है, जिसके कॉन्सेप्ट पहले भी थे, आज भी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर का बहुत सारा कंटेंट ICAI ने चेंज किया हुआ है। सर क्या मुझे वापस से फिर से SM की क्लास करना जरूरी है? द आंसर इज यस, आपको फिर से दोबारा क्लास करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव है। पहले थे 8 चैप्टर्स, अब है 5 चैप्टर्स। दोस्तों पहले हमारे सिलेबस में 8 चैप्टर्स थे, अब 5 चैप्टर्स हुए, नाम भी चेंज हो गए, कंटेंट भी चेंज हो गया। सो दोस्तों, दिस इज एडवाइजेबल फॉर यू ऑल टू अगेन गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो नए सिलेबस में। अब सवाल उठ रहा है, सर अगर हमें ये नया कोर्स करना है, कितने ऑप्शन आपके पास है? ऑप्शन नंबर 1, यू कैन गो फॉर इधर फुल कोर्स और यू कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक कोर्स। फुल कोर्स में क्या होता है, फास्ट ट्रैक कोर्स में क्या होता है? फुल कोर्स में भी 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, फास्ट ट्रैक में भी 100% क्लैरिटी होती है। फुल कोर्स को स्लोली पढ़ाया जाता है, फास्ट ट्रैक को फास्ट पढ़ाया जाता है। फुल कोर्स में रिविजन्स बहुत सारी होती है, क्लास में ही पूरा याद होने का प्रयास किया जाता है। फास्ट ट्रैक में कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, रिविजन के ऊपर नहीं। फास्ट ट्रैक बैच में स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड होता है कि वो क्लास के बाद में खुद से और पढ़े, रिवाइज करें। कंसेप्ट तो क्लास में समझ जाएंगे, पर रिवीजन खुद को ज्यादा करना पड़ेगा। फुल कोर्स में ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, यानी कि अगर मैं FM की बात करूं तो फुल कोर्स में हर कोई क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक में भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पर क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगी। SM के अंदर एग्जाम्पल्स की बात करो तो फुल कोर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हर एक कॉन्सेप्ट के दिए जाएंगे, पर फास्ट ट्रैक में उन्हीं कॉन्सेप्ट के थोड़े कम एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ये दोनों का डिफरेंस है। सर आप बताओ हम क्या करें, फास्ट ट्रैक लगाए या फुल कोर्स लगाए? आई वुड एडवाइस यू टू ज्वाइन फॉर फुल कोर्स, क्योंकि आपके इसमें बहुत इनफ टाइम है। यू आर गोइंग टू हैव 4 months, और जिन लोगों को सिर्फ एक ही ग्रुप बाकी है, नहीं ग्रुप 2 ही बाकी है, जिसमें 2 ही सब्जेक्ट बाकी है, भाई साहब क्यों लोड लेते हुए? गो फॉर द फुल कोर्स, आराम से विस्तार में पढ़िए, पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पर अगर आपके इसमें टाइम का लिमिटेशन है, टाइम कंस्ट्रेंट है, देन गो फॉर फास्ट ट्रैक कोर्स। फुल कोर्स आता है 220 घंटे का, और फास्ट ट्रैक आता है कुछ 80-90 घंटे का। कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोनों में होती है, चॉइस इज ऑल योर्स। सर मैंने पहले कभी भी आज तक FM SM नहीं पढ़ा है, कैन आई थिंक ऑफ फास्ट ट्रैक बैच? नो, एब्सोल्युटली नॉट, आपको फुल कोर्स ही एडवाइजेबल है। सर मेरा ऑलरेडी FM SM हो चुका है, अब मैंने क्या करना चाहिए? दोस्तों टाइम है, 2 ही सब्जेक्ट देना है, FM SM में उतना कॉन्फिडेंस नहीं, गो फॉर फुल कोर्स। सर दोनों के दोनों ग्रुप बाकी है, बहुत टेंशन भी आती है, बहुत सारे सब्जेक्ट में वीकनेस है, देन यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक, बिकॉज इतना टाइम आपके पास में FM SM के लिए नहीं होगा। सर FM में भी कोई क्या बदलाव है? FM में एक चैप्टर डिलीट हुआ, बदलाव कुछ भी नहीं है। सिलेबस जैसे पहले था वैसे आज भी है, देयर इज नो चेंज एब्सोल्युटली। सर क्या मुझे FM की क्लास वापस से लगाना चाहिए? दिस इज ऑल सब्जेक्टिव। अगर आपका कॉन्फिडेंस FM पर नहीं है, यू हैव डन द क्लास बट यू आर नॉट कंसेप्चुअल क्लियर, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट बाकी है, व्हाई आर यू टेकिंग स्ट्रेस गाइस, गो फॉर द क्लास। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, FM मेरा ऑसम है, देन डोंट गो फॉर द क्लास, FM की क्लास मत लाओ। पर इन एनी कंडीशन SM की क्लास तो करना अनिवार्य है। मित्रों क्या मुझे क्लास लगाने पर SM की और FM की किताबें मिलेगी? जी हाँ, आपको एज पर द लेटेस्ट May 24 अटेम्प्ट के हिसाब से सारी किताबें मिलेगी। SM की मेन कॉलर की बुक मिलेगी, जहां पे आपको पूरा मॉड्यूल बिल्कुल एज इट इज मिलेगा, कलरफुल मॉड्यूल मिलेगा। उसको रिवाइज कराने के लिए हमने आपको चार्ट बुक दी है, वो आपको मिलेगी जो स्क्रीन पर दिख रही है। साथ साथ में
आपको एग्जामिनेशन के पहले दिन और पीएल में पढ़ने के लिए आपको रॉक्स भी दिया जाए, यानी एक लार्ज साइज, एक मिड साइज, एक स्मॉल साइज, तीनों भी किताबें दी होगी। एक 20 पन्नों में एसएम, एक 70 पन्नों में एसएम और एक 200 पन्नों में एसएम, तीनों की अपनी विशेषताएं हैं। हर एक का यूसेज, जब क्लास में हम रेगुलर बैच में पढ़ाते 200 पन्नों से पढ़ाते, रिवीजन करने के लिए 20 पन्ने का इस्तेमाल करते। पीएल में 70-80 पन्ने होते हैं जिसमें सिर्फ ऑन वही कंटेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ में इन नोट्स के साथ में आईसीएआई के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी और जो लेटेस्ट मॉडल में एमसीक्यूज और सारे डिस्क्रिप्टिव और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं उनका हमने क्वेश्चन बैंक भी आपको देना है, वो भी आपको साथ में ही मिलता है। यानी इतनी सारी किताबें आपको ऐसे में मिलेगी, सारी की सारी किताबें। आपको कोई भी और नोट्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। आप अगर फुल कोर्स कर रहे हो तो आई कैन गिव यू गारंटी, उसके बाद में आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। क्लास करेंगे इन योर डन, फास्ट ट्रैक करेंगे। हाँ, आपका थोड़ा सा मेहनत अभी बाकी रहेगा, आपको रिवीजन बहुत सारे खुद के लेवल पर करना पड़ेगा, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑसम तरीके से मिलेगी आपको। दोस्तों, May 24 एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लाखों की तादाद में वापस से लोग एफएमएसएन देंगे, जो पुराने लोग 1.5 लाख वो भी देंगे, जो नए स्टूडेंट है वो भी देंगे, कॉम्पिटिशन इंटेंस होंगे। ऐसे हालात में एफएमएसएम का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है बिकॉज अब दो सब्जेक्ट में अगर आपको स्कोर करना है, आप जानते हैं ऑडिट में स्कोर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिंस इट इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। अगर आपको सेकेंड रूप में पास होना है और एग्रीगेट लाना है ना, तो एफएमएसएन के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं FMSN की क्लास करेंगे, यू विल बी 100% श्योर दैट आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा। जरा सा भी रिस्क मत लेना, डू नॉट अननेसेसरी ट्राई टू यू नो कन्विंस योरसेल्फ कि मैं कर लूंगा। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात, पर जबरदस्ती मत बोलो। चंद कुछ पैसे बचाने के लिए, और आपको बता रहे पैसों की बात निकली है, तो फुल कोर्स में भी हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको हमने 40% ऑफ रखा है। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं है, चाहे किसी और से भी पढ़े, हमने उनके लिए 20% ऑफ रखा है, और वो फीस भी इतनी नॉमिनल है जिसके अंदर हम लोग GST भी इंक्लूडेड होता है। चार चार किताबें एसएम की, 3-4 किताबें एफएम की, इतनी सारी किताबें देते हैं उसमें, तो आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं होता। तो वैसे फास्ट ट्रैक करोगे और फुल कोर्स करोगे, फीस वाइज बहुत डिफरेंस तो नहीं है, आपको ऐसा मतलब बहुत कि लाखों का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत फर्क है, इट इज ऑल योर चॉइस। सर, फास्ट ट्रैक बैच कब चालू हो रही? फास्ट ट्रैक बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th of January, जहां पे हम लोग SPC के सारे लोग हर रोज बैक टू बैक हर सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक लेंगे। 30 से 40 दिनों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्स मेरा FMSM का खत्म हो जाएगा, 80-90 घंटों के अंदर। ये बैच जो है लाइव स्ट्रीमिंग मोड पे भी चलेगा, पूना में फेस टू फेस में भी चलेगा, बाद में अगर करना है तो पेनड्राइव गूगल ड्राइव तो चलेगा ही चलेगा। इसके पहले कुछ 5 लेक्चर्स यूट्यूब पर भी आएंगे, जरूर इस बैच को अटेंड करना, आपको समझ जाएगा सब्जेक्ट में क्या परिवर्तन आया। उसके बाद अगर आपको फुल कोर्स का, अगर आप बोलेंगे मुझे बैच ज्वाइन करना, उसको कोई लेटेस्ट बैच नहीं, वो बैच अभी चल रहा है मेरा, इट इज अबाउट टू गेट फिनिश, एसएम तो मेरा हो भी गया, एफएम के 3-4 चैप्टर्स बचे हैं एज पर द न्यू सिलेबस, उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी रेडीली अवेलेबल है swapnilpatni.com पर। फुल कोर्स के पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के प्रोडक्ट्स हमारे रेडीली अवेलेबल है। सर, क्या एग्जामिनेशन के पहले आप वन डे बिफोर एग्जामिनेशन जरूर लेंगे? हमेशा की तरह लेंगे जैसे हम लोग लेते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं। सर, जो चार्ट बुक होती है कलर बुक, क्या वो हम को आप फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे? हाँ जी करेंगे। तो ये सारी सूचनाएं आपको मैंने दी है, आई थिंक आई हैव गिवन यू द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ है, तो जरूर हमारे एक फॉर्म दिया तो उसमें आप फिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।